हाँ हाँ हमें पता है, आप कई सारे दिनों से डोमिनार के ऊपर मॉडिफिकेशंस देख रहे हो। क्या करे, मोटरसाइकिल है ही ऐसी। अकॉर्डिंग टू मी डोमिनार इज करेंटली द मोस्ट कैपेबल एंड रिलायबल बजट ओरिएंटेड टूरिंग मशीन फॉर नाउ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स रोल इनटू दिस व्लॉग। आपको दिखा देते हैं जल्दी से कैसे जाना की सैटल स्टे, बैक रेस्ट और टॉप बॉक्स रैक डोमिनार के ऊपर कैसे हम लोग फिटिंग्स करते हैं। इसके ऊपर पूरा इंस्ट्रक्शनल वीडियो है। इसके पहले भी बहुत सारे डोमिनार के ऊपर इंस्ट्रक्शन फिटिंग वाले वीडियो हम कर चुके हैं एंड ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल ऑन माय चैनल। इस पर्टिकुलर डोमिनार के ऊपर मॉडिफाई किया हुआ और एक वीडियो होगा मेरे चैनल पे एंड दैट विल कंप्लीट द होल डोमिनार मॉडिफिकेशन सीरीज। और ये रहा जाना का सैडल स्टेज एंड द टॉप बॉक्स रैक, तो काफी सारा पार्ट दिया हुआ है इसके साथ एंड ये सारे पार्ट्स भी काफी वेल बिल्ट लग रहा है। दिस इज हाउ द जाना सैडल स्टे लुक्स लाइक। उसके साथ और भी बहुत सारे पार्ट्स है, कौन सा पार्ट कहाँ पे फिट होगा ये आपको बता देंगे वीडियो में। तो एज यूजुअल आपको ये पिनियन गैप जो है ये तो खोलना है। So this is the screw set that comes with the saddle stay and top box rack from Zana. ये भी Zana से है, so there are these backrest as well. Zana का ये crash guard लगाना काफ़ी tricky है, तो इसके साथ एक part आता है। आप ज़रूर देखोगे, आप जब ये saddle stay वगैरह खरीदने पर के बाद आप ज़रूर देखोगे इसके साथ ऐसा एक part आता है and this fits onto the below of the motorcycle. ये नीचे आप देख पा रहे हो दो screws है, so you have to open these two screws. और ये दो स्क्रू खोलने के बाद ये कुछ इस तरीके से लगने वाला है इन दो स्क्रू के जगह पे। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको अटैच कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। सो किट में सबसे लंबी वाली स्क्रूज जो है उसको फिट करना है आपको इसके नीचे। सो दिस स्क्रू, ये लंबा स्क्रू, उसके नीचे वो यहाँ पर फिटिंग होगा। तो सैडल स्टे लगाने से पहले, ये वाला सैडल स्टे इंस्टॉल करने से पहले, आप सबसे पहले तो ये चीज़ इंस्टॉल करो। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड इंस्टॉल व्हेन यू आर इंस्टॉलिंग दी जाना की सैडल स्टे। इसके नीचे स्क्रूज लगाने से पहले ये वाला बुश आपको यहाँ पे आप प्रेशर देके हाथों से ही इंस्टॉल कर सकते हो, नहीं तो फिटिंग ठीक से नहीं होगा। सो दिस इज द वन बुश और ये दूसरा वाला बुश जो हमने यहाँ पे लगा दिया ऑलरेडी। सो वंस आपने ये नीचे वाला ये हिस्सा आपने लगा लिया, तो उसके बाद सैडल स्टे को प्रेस करो और इसके नीचे जो रबर बुश है आप देख पा रहे हो, ये येलो कलर का बुश, वाइट वाला जो ये रबर बुश है इस साइज का, ये वाला रबर बुश आपको प्लेस करना है एग्जैक्टली इसके नीचे। जब आप फर्स्ट टाइम इसको फिटिंग कर रहे हो तो इसको ज़्यादा टाइट मत करो, जस्ट प्लेस द स्क्रूज एंड नट्स इन पोजिशन और बाद में इसको टाइट करना सब फिटिंग हो जाने के बाद। और यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूँ, ये जब आप जाना का ये टॉप बॉक्स का रैक लगाने वाले हो, डोमिनार की बॉडी फाइबर बॉडी पे टच ना करे, यू हैव टू यूज अ फ्यू रबर बुशेज दैट आर प्रोवाइडेड। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये नीचे वाला, ये मोटा मोटा वाला बुश है जो मैंने पहले आपको दिखाया, और उसके ऊपर ये आपको लगाना है छोटी सी बुश जो कि इस साइज का है। ठीक है, तो ये बुश इसके ऊपर लगा के देन यू कैन इंस्टॉल, यूज द स्क्रूज टू इंस्टॉल इट डायरेक्टली ओवर दिस। तो इससे क्या होगा, आपका फाइबर बॉडी के साथ कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होगा इन मेटल पार्ट्स का एंड इट विल बी प्रॉपरली फिटेड हियर। अच्छा, तो फाइनली हमने जाना की टॉप बॉक्स रैक लगाना, मुश्किल नहीं था लेकिन थोड़ी बहुत पजल सॉल्व करना था। सही सॉल्व कर लिया सही बात। तो कहाँ कहाँ पे क्या क्या फिक्सेस थे वो आपको शॉर्ट में बताते हैं हम। पहली बात तो ये, जो आपको पहले मैंने बताया था कि ये वाला मेटल रॉड जो आप देख रहे हो, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू फिक्स। इसको फिक्स करने के लिए अंदर एक रबर बुश है, वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। उसके बाद व्हेन यू आर फिक्सिंग दिस,
इसको आप बाद में लगाना, ठीक है, पहले आप इसको प्लेस करके इसको लगाओ और इसको लगाने एकदम सही से फिट करना होगा, सही से फिट करना होगा। यहाँ पे एक मोटा वाला बुश है, यहाँ पे एक छोटा वाला बुश है, रबर बुश। इसके नीचे और एक मेटल वॉशर है, उसके ऊपर भी एक मेटल वॉशर है। ये हमने इस तरीके से इसलिए लगाया क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये वाला पोर्शन जो है ये बॉडी का फाइबर को टच कर रहा है, तो इसीलिए जितना प्रोटेक्टिव तरीके से इसको लगा सकते थे इतना प्रोटेक्टिव, उतना ही प्रोटेक्टिव तरीके से हमने लगाया इसको। दिस इज द सेटिंग ऑफ हाउ इट हैज बीन पुट। और यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, ये फिटिंग तो हम लोगों ने किया लेकिन मैंने लुविया का भी सैडल स्टे और टॉप बॉक्स रैक फिक्स किया था दूसरा एक डोमिना 2019 पे। आई वुड से दैट द इंस्टॉलेशन प्रोसीड्योर और द इंस्टॉलेशन नट्स एंड बोल्ट्स एंड द फिटिंग्स ऑफ द लुविया टॉप बॉक्स एंड द सैडल स्टे वाज फार फार बेटर देन द जाना सैडल स्टे व्हेन आई एम कंपेयरिंग बिटवीन दिस टू। और भी एक बात है, द क्वालिटी ऑफ द लुविया सैडल स्टे वाज अ बिट बेटर देन द जाना सैडल स्टे एंड द जाना टॉप बॉक्स रैक। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जो रबर बुश आप देख रहे हो जाना की टॉप बॉक्स रैक के साथ जो आता है, सो दैट थिंग इज नॉट प्रॉपर, वो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने के बाद वो टूट सकता है। सो आई पर्सनली फील दैट द लुविया सैडल स्टे एंड द टॉप बॉक्स रैक इज फार बेटर देन द जाना वाला। स्टॉक पिलियन ग्रैबरल तो अभी लगा नहीं सकते हम लोग, ये वाला पार्ट लगाने कंप्लीट हो जाए उसके बाद जस्ट लैच ऑन टू दिस मेटल वॉशर एंड ए स्क्रू बोल्ट। नेक्स्ट थिंग जो कि अलग से आप खरीद सकते हो या इसके साथ आता है, इसके साथ ही आता है तो इसके साथ आप ये तो सिंपल नॉर्मल स्क्रू है, पहले अलग से लेना पड़ता था लेकिन अभी वो लोग जाना मोटर्स ने क्या किया है वो कॉम्बो कर दिया है। आप अगर ये विदाउट मेटल प्लेट वाला भी लेते हो तो उसमें भी ये फिटमेंट आएगा आपका, और विदाउट मेटल प्लेट का लेते हो तो उसमें भी फिटमेंट ये दे देता है। अच्छा, तो इसको अलग से खरीदने का अभी और कोई जरूरत नहीं है, पहले शायद से लेना पड़ता था। अच्छा, लेकिन अभी वो लोग एक पैकेज उसको कॉम्बो पैकेज करके वो लोग सेल कर रहे हैं। सही है, तो सीट लगा दो बस और हो गया। पिलियन के लिए मस्त सी जगह, पिलियन हैज ए वंडरफुल प्लेस टू सिट नाउ with a very comfortable backrest and a very comfortable pillion footrest. तो अब तो rider से ज़्यादा pillion बनने का मन कर रहा है इस motorcycle में। तो anyways, let's move on to the saddle stays. जाना की saddle stay, the last piece of puzzle on this Dominar UG 2019. कौन सा problem? ये चीज तो ऑब्वियसली जाना का है। हाँ हाँ, तो डिजाइनिंग जो जाना का एक्सेसरीज के लिए जाना लोग करके दिया है वो तो अलग है। हाँ, तो हम लोगों को अब समझना पड़ेगा कि इसको रख के उसको कैसे फिट करें। सही, तो थोड़ा सा निक नैक होगा शायद से, लेकिन वो भी ये अगर हो गया तो ये भी हो जाएगा। सही, क्योंकि ये वाला जाना का आप देख पा रहे हो, ये जाना का है लेकिन ये वाला आप देख रहे हो ये लुविया का है। ये पहले भी आप देख चुके हो इसका फिटमेंट, तो इसको खोल के फिर लुविया का ये यहाँ पे लगाना है कुछ इस तरीके से। नीचे वाला स्क्रू दिख पा रहे हो ऐसे लगेगा और ऊपर वाला यहाँ पे कनेक्ट होने वाला है सॉर्ट ऑफ, तो इसको लगा देते हैं फिर आपको दिखाते हैं। Well, I can't see if I like wild elephants or not. I don't like elephants at all. So, फिलहाल ये जो last में हम लोगों ने लगाया जाना की saddle stay and Zana's top box rack and the Zana's pillion backrest. So, सब कुछ फिटिंग करने के बाद आपको चीजें मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। I already showed you यहाँ की फिटिंग कैसे कर रहे थे हम लोग रबर बुश लगा के, और यहाँ पे भी फिटिंग करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था बिकॉज दिस वॉज नॉट प्रॉपरली फिट, बट देन यू हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ पोशनिंग इन पिलियन एंड देन फिट इट। यहाँ पे भी जैसे कि आप देख सकते हो लुविया के लुविया की पिलियन फुटरेस्ट के साथ ये जो जाना का सैडल स्टे है ये अटैच करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, और फाइनली आफ्टर इट्स डन दिस इज हाउ इट लुक्स। इसके साथ मेन जो पार्ट्स आया था एक तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, नंबर वन पार्ट है मेजर पार्ट है ये वाला जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, नंबर टू मेजर पार्ट है ये वाला जो कि टॉप बॉक्स का रैक है। ये दोनों फिट करने के बाद यू हैव टू फिट दिस सैडल स्टे एंड इसको फिट करने के बाद आखिरी में यू हैव टू फिट दिस सैडल स्टे कनेक्टर। सो दैट्स अबाउट इट, दिस इज द डोमिनार व्हिच हैज बीन कंप्लीटली मॉडिफाइड, बिलोंग्स टू ड्रीम ऑफ माय फ्रेंड हर ड्रीम्स एंड व्हील्स। So, कुछ इस तरीके का दिख रहा है। I love the carbon, this is windshield for sure.